रहे हैं PTNI न्यूज चैनल। मैं इंसाफ चाहती हूँ, मेरी लड़की इंसाफ मिला। अगर आज मैं चुप बैठ गई, मेरी पांच लड़की एक का इसका ब्याह कर दूंगी तो चार और भी, बताओ मैं कहाँ तक करूँगी। रजनीश आए थे यहाँ पे छानबीन करने के लिए। रजनीश कौन है? इधर होगा, यहाँ के इंचार्ज है। उन्हें कही कि तुम तो धंधा करते हो, बेटी को शर्म नहीं आती, बेटी से धंधा करवाते हो। तो इन्होंने ऐसा क्या था 50,000 ले चुका है। हाँ जी, दरोगा ने खुद ही ये कहा है, तो बताओ दूसरा तो और कहेगा ही। मुझे लड़के पक्ष जो है उन्होंने पैसा भर दिया है। किसको पैसा दिया है? जगनीश नाम है इससे। अच्छा, कितना पैसा? 50,000 ले चुके हैं वो अभी। नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म होने पर पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न होने पर परिवार के साथ आत्मदाह करने को मजबूर हुई पीड़ित महिला। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के कोतवाली क्षेत्र गजरोला के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला काशीराम कॉलोनी में कुछ दबंग लोगों ने नाबालिग लड़की के साथ की छेड़छाड़। शिकायती पत्र देने पर भी पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। बता दें कि गजरोला स्थित ग्राम अहरोला के निकट अम्बेडकर नगर में बनी काशीराम कॉलोनी में रहने वाले दंपत्ति का आरोप है कि हमारी नाबालिग 13 वर्षीय पुत्री के साथ कॉलोनी में ही रहने वाले जितेंद्र पुत्र सुरेश दबंग युवक ने घर में घुसकर छेड़छाड़ की। मेरे द्वारा विरोध करने पर मुझे तथा मेरे पति को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने बताया कि उसके बाद मैं थाने छेड़छाड़ की तहरीर लेकर कस्बा इंचार्ज रजनीश कुमार यादव से मिली और आप बीती सुनाई, लेकिन कस्बा इंचार्ज रजनीश कुमार यादव ने मुझ पर ही इल्जाम लगाते हुए अपशब्द कहे और कोई कार्यवाही नहीं की। पीड़ित महिला का आरोप है कि दबंग लोगों से कस्बा इंचार्ज ने रिश्वत के रूप में 50,000 रुपए ले लिए हैं, इसलिए मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। पीड़ित महिला थाने से सुनवाई ना होने के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय अमरोहा के ऑफिस पहुंची, जहां पर उसने शिकायती पत्र देकर घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया। पीड़ित का आरोप है कि वहां पर भी मुझे आश्वासन देकर घर भेज दिया, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई है और वह खुलेआम घूम रहे हैं तथा फिर से एक बार हमारे घर में घुसकर हमारी बेटी के साथ छेड़छाड़ की। और होली की रात जितेंद्र पुत्र सुरेश, दुष्यंत पुत्र सुरेश और जितेंद्र पुत्र सुरेश ने घर में घुसकर हमें ही बेरहमी से मारा और पीटा। इन घटनाओं को सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ किताबों में और जुबान पर ही नजर आ रहा है और ऐसे अपराधी लोग खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटनाएं हो जाने के बाद भी पुलिस इन अपराधियों पर कोई भी अंकुश लगाने को तैयार नहीं है। पीड़ित दंपत्ति का कहना है कि मुझे मीडिया के माध्यम से इंसाफ चाहिए। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया ब्यूरो जनपद अमरोहा उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज कहाँ रहते हैं? हरोले कॉलोनी रहते हैं, काशीराम कॉलोनी रोड पर। हाँ, गजरोला में। हाँ जी, क्या मामला बताइए। 14 तारीख के 2003 तीसरे महीने में 14 तारीख को हमारे लोंडे के साथ शाम को 6 बजे छेड़खानी करा एक लोंडे ने। अच्छा, कौन है वो लोंडे? उसका नाम याद नहीं आ रहा इस टाइम। तो कहाँ के रहने वाले? वही कॉलोनी में रहता है, पुरानी कॉलोनी में। क्या हुआ? शाम को 6 बजे हमारे लोंडे गई छत पे कपड़े उतारने, तीसरी मंजिल पे कपड़े उतार के आ रहे थे दूसरी मंजिल पे, हाथ पकड़ के मुँह दबा के कमरे में लेके जा खींचते हो, नारा खोलने लगे, नारा खोल के पटक दिया मेरे लोंडिया को, क्यों नहीं मार के एक लोंडा का आवाज़ मारा है तो लोंडा गया बचाने के लिए, तब जो उसने छोड़ा। थाने में हमने कंप्लेन करा, थाने वाले भी नहीं कुछ करा, दो बार हमने गए अमरोहा भी कुछ नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, जो आपने यहाँ पर गजरोले में कंप्लेंट की थी वो किस तारीख में की थी? 15 तारीख में। किसको दी थी कंप्लेंट? किसको दी थी आपने? थाने में दिए थे। थाने में किनको पता है क्या नाम उनका? नहीं, दरोगा का नाम नहीं याद। लिखित में दिया था आपने? हाँ जी। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, एक बार पुलिस वाला हमारे घर पर नहीं तहकीकात करने के लिए आया। उसके बाद 2 दिन बाद जहाँ अमरोहा को गए, अमरोहा से फिर एप्लीकेशन देके वहाँ से कहाँ गए थे? अमरोहा DSP जो बैठा है वहाँ एप्लीकेशन देके आए। एप्लीकेशन किनको दी वहाँ पर? जो लेडीज पैसे बैठे हैं DSP बोले हैं, क्या बोले? SP मैम। हाँ, उन्हें देके आए हम। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला चलो जाओ कार्रवाई होगी, फिर दोबारा गए, बोला कि चलो हमारे डिपार्टमेंट से जो गलती हुई है अब दोबारा न होने की जाओ कार्रवाई होगी। अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, रात में घर में घुस के मारा हम लोगों का वहाँ। क्या नाम है आपका? मिथिलेश जी। कहाँ रहते हैं आप? काशीराम कॉलोनी हरोला रोड पे। अच्छा, बस्ती में। अच्छा, क्या मामला है बताइए थोड़ा सा। मैं काम पे गई थी, मेरे घर वाले भी काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेरी लड़की जो ऊपर कपड़े सुखाने गई थी तीसरी मंजिल में, शाम को 6 बजे उतारने गई थी, तो कपड़े उतारने गए थे, जितेंद्र नाम के लड़के ने मुंह दाब के कमरे में ले गया, कुंजी खुली हुई है, सारे के मार्ग खुले हुए हैं, कमरे में अंदर लेकर जबरदस्ती करी, नाड़ा खोला उसके साथ, तो जो है धक्का मार कर जो किसी को आवाज़ मार के बचाया, तो लड़का ने निकाल के लाया उस कमरे में से।
अच्छा, ये कब का मामला है? ये 14 तारीख का, इसी महीने का। हाँ जी, 14 तारीख, हाँ मार्च। हाँ जी। अच्छा, वो लड़का कौन था? जितेंद्र पंडित है, वो भी सुरेश पंडित का लड़का। अच्छा, ये कहाँ रहते हैं? वो भी काशीराम कॉलोनी में रहते हैं, पुराने वाले में। हमें नए वाले में अभी बटी नहीं है, हमें रहने के लिए रह दिया गरीब के वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं आई काम पे से, तो मैंने पूछा वो क्या बात है, तो उल्टा मुझे भी मारा, मेरे घर वाले को भी मारा। अच्छा, फिर अब कल भी लड़ाई हुई, पहले भी हुई भी। फिर उसके बाद क्या हुआ, कंप्लेन किया आपने? मैंने कंप्लेन की यहाँ पर, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई थाने में। कौन से थाने में? ये फिर क्या हुआ, फिर क्या कहा? तो यहाँ पे तो उल्टा क्या करने और मुझे क्या कह गए, तुम धंधा करते हो, तुम लड़की को तुम्हें शर्म नहीं आती, लड़की को बदनाम कर रखा है, ये तो अच्छे शरीफ लोग हैं, 50,000 रुपए खा लिए हैं उसने दरोगा ने। अच्छा, अगर मैं धंधा करती तो मैं छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के क्यों मजदूरी करने जाती है, बताओ। ये काम करते हो, किसने कहा? और पुलिस वाले ने, हाँ जी, उन्होंने पैसे लिए हैं, जब तो मुझे धंधे वाली बता रहा है वो। किससे पैसे लिए हैं उन्होंने? वो जितेंद्र से पंडित से। अच्छा, कितना? 50,000 रुपए ले चुके हैं, और जो गवाह बनाए हैं उन्होंने भी खाए हुए हैं, नतानी नाम की है, वो कॉलोनी में रहती है, वो भी गवाह दे रही झूठी मेरे लिए। अच्छा, फिर उसके बाद कंप्लेन हुआ, उन्होंने भी कार्रवाई किया? कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर मैं दोबारा अमरोहा गई, तब भी नहीं हुई अभी तक। अमरोहा कब गए थे, किसके पास गए थे? मैं एसपी के साथ दोहरे भी गई हूँ मैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने कह दी जाओ, अभी तक तुम्हारी कार्रवाई नहीं हुई, अब करेंगे, अब फिर अभी तक तो हो ही नहीं। अच्छा, उसके बाद भी कार्रवाई हुई? नहीं। अभी हो गए, बुध के दिन गई थी मैं। 10-5 दिन हो गए। हाँ जी। अच्छा अच्छा, आपकी बेटी कितनी उम्र है? 13 साल। 13 साल। अच्छा, अगर मेरी लड़की के साथ कोई गलत, अगर इंसाफ नहीं होगा तो मैं उसे अपनी 5 लड़कियों को मार दूंगी, मैं भी मर जाऊंगी। मेरे साथ जब कोई इंसाफ करने वाला है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ बताओ? मैं भागते भागते मैं तब कमाऊंगी या बच्चों को पालू बताओ? मैं भागते भागते भी 1 रुपया घर में नहीं, मेरी होली तक नहीं बनी, बच्चों को दूसरों ने दिया खाने को कल। कितने बच्चे हैं आपके पास? 5 लड़की है, 1 लड़का है लास्ट का, वो 2 साल का, बताओ। उसे छोड़ के काम पे जाती हूँ मैं, बेर बच्चे दुखी ना हूँ मैं।